ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की झांसी की ओर, जहां चंद दिनों पहले पड़ोसी और मजदूर के बीच हुई थी कहासुनी, जिसमें पड़ोसी ने मजदूर को जान से मारने की दी थी धमकी। इसी के बीच आपको बता दें कि पड़ोसी ने घटना को अंजाम देते हुए मजदूर की है निर्मम हत्या। आपको बता दें कि पड़ोसी ने कुल्हाड़ी की मदद से मजदूर की हत्या। पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस जुटी है आगे की जांच पड़ताल में। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि पुत्र ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से उसके पिता का चंद दिनों पहले झगड़ा हुआ था और पड़ोसी ने झगड़े में मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बीच आपको बता दें कि पड़ोसी ने रात में सोते समय मजदूर की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। जब सुबह परिजनों जागे तो उन्होंने मजदूर को लहूलुहान देखा, जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पुलिस ने मौज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला जिला झांसी के मूड कस्बे के शाहपुरा बस स्टैंड का बताया जा रहा है। सर, यहाँ पर एक मर्डर हुआ, क्या है पूरा मामला? मोट थाना क्षेत्र में कस्बे में ही एक अधेड़ व्यक्ति की घर में ही गर्दन पर वार करके हत्या कर दी गई है। तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ अन्य जितने भी हमारी आनुषांगिक शाखाएं, उच्च अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया, तो ये तथ्य निकल के आया कि ब्लड की कुछ बूंदें पड़ोसी के घर तक जा रही थी। उसको तलाश किया गया तो वो घर से भागा हुआ है। पुलिस के द्वारा जो डेड बॉडी है, वहाँ से एविडेंस कलेक्शन कर लिए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर शीघ्र ही जो घटना है उसका अनावरण किया जाएगा। सर, इसमें कोई जानकारी हो रही है कि आपका क्या नाम है? राजेश। कहाँ, किस मोहल्ले के? शाहपुर वेस्ट रावतियाना मोहल्ला। मौत। अच्छा, यहाँ पर जो घटना हुई है वो कौन है आपके मृतक है? पिताजी। पिताजी है। क्या नाम था उनका? सुम्मा। अच्छा, कैसे क्या घटना हो गई, जानकारी हुई थोड़ी बहुत आपको, किसने मारा? नहीं, ये तो चार पाँच दिन से लड़ाई चल रही थी। किससे? ये यहाँ रहता है, इसका नाम पिट्टा है। ये जानकारी नहीं किसके पीछे लड़ाई चल रही थी, कैसे। फिर आज क्या देखा आपने, कैसे मालूम चला? आज हम सो के उठे सुबह, गेट खोले, पापा का गला कटा था। कहाँ पे लेटे थे वो, किस चीज़ पे लेटे थे वो? चार पाई पे। कमरे में या बाहर? कमरे में। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? यहाँ अपने मोट थाने।